ये तो सरकार करप्शन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है, लेकिन लगता है कि सरकार के कुछ मंत्रियों को इससे सरोकार ही नहीं है। वे भ्रष्टाचार को स्वीकार भी करते हैं और उसे जारी रहने का दावा भी करते हैं। ऐसा ही कुछ दावा किया है सरकार के उद्योग मंत्री और बूंदी के प्रभारी परसादी लाल मीणा ने। यहाँ सर्किट हाउस में सुनवाई के दौरान उन्होंने कह डाला कि इंडिया में कहीं भी ईमानदार तहसीलदार नायब तहसीलदार नहीं मिलेंगे। बताया कि 6 बार तो वे विधायक और 3 बार मंत्री रह चुके हैं, कितने ही तहसीलदार लगा दिए, नायब तहसीलदार लगा दिए, पर वे 2% तो लेंगे ही लेंगे। और तुरंत उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट हो जाए। सभी तहसीलदार तो इंडिया में ईमानदार नहीं। गलती लेकर अब तक 6 बार बन गया, 3 बार मिनिस्टर बन गया, नायब लगा दी में भैया 2% लेंगे लेंगे। और तुरंत उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट हो जाए। सभी तहसीलदार नायब तहसीलदार तो इंडिया में ईमानदार आपके साथ अकेले बनाता। गलती लेकर अब तक 6 बार बन गया, 3 बार मिनिस्टर बन गया, नायब लगा दी में भैया 2% लेंगे लेंगे। और तुरंत उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट हो जाए। सभी तहसीलदार नायब तहसीलदार तो इंडिया में ईमानदार आपके साथ अकेले बनाता। गलती लेकर अब तक 6 बार बन गया, 3 बार मिनिस्टर बन गया, नायब लगा दी में भैया 2% लेंगे लेंगे।